ये मैंने 24 इंच की शीट ली है, इसको आपको ऐसे 12 इंच का फोल्ड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्केल से, ये 12 इंच का आपका फोल्ड हुआ है। यहाँ से हम लोग कटर लेंगे, कटर को इस तरीके से इसके अंदर डालना है शीट में, फिर ऐसे कट करना है, ठीक है। फिर इस शीट को वापस से वन फोल्ड करेंगे इस तरीके से, टर्न करके आपको जिस साइड से कट करना है यहाँ से हम लोग इसको कट करेंगे। आराम आराम से कट करना है ताकि शीट ब्रेक ना हो। वापस इसको हम लोग फोल्ड करेंगे। अगर कटर आपका एकदम शार्प है तो आप ये सारी शीट एक साथ कर सकते हो, तो मैं एक साथ ही ले रही हूँ ये, लेकिन एकदम आराम से करना है, ठीक है। अब रेपर्स बहुत ज़्यादा हो गए तो हम लोग इसको एक साथ नहीं कट कर सकते, तो थोड़ा थोड़ा करके कट करेंगे। तो ये मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ वापस इस तरीके से, ये आपके इस तरीके से कटिंग हो गया है। ये भी जो हम लोगों ने रेपर कट किया है इसकी साइज आई है हमारी 6 इंच, जो है वो भी आई है। ये हम लोग इसकी हाइट देखेंगे 5। यहाँ से इस तरीके से फोन को फोल्ड करना है, अगेन फोल्ड, हल्के हाथ से फोल्ड करना है, फिर आगे की साइड हम लोग प्रेस करेंगे इस तरीके से। पॉइंट के लिए आपको पॉइंट चाहिए तो आप आगे की साइड उसको प्रेस करो तो पॉइंट आएगा, मैं अपने साइड इसको खींचूंगी तो पॉइंट मेरा बारीक होगा। फिर इस तरीके से आप फोल्ड कर लो, फोल्ड करने के बाद पूरा मैं यहाँ से अपने साइड इसको खींच लूँगी यहाँ पे,